नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बहुत दिनों के इंतज़ार के बाद आज जो है मेरे पास एलपी का एक नया लॉट आ गया है, जिसका मैं काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था। ट्रांसपोर्टेशन में था, एक हफ्ता लग गया आने में। तो अब आने वाले कुछ दिनों में डेली 24 घंटे में दो बार मैं उन एलपीज के वीडियो डालूंगा। इंग्लिश क्लासिकल भी आए हैं, इंग्लिश पॉप भी आए हैं, 70s और 80s के भी इंग्लिश हैं और हिंदी भी हैं। 60s के टाइम के हिंदी हैं, 70 के टाइम के हिंदी हैं, कुछ फेमस सिंगर्स के बढ़िया नंबर्स भी हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अदालत मूवी। ये अदालत मूवी का रिकॉर्ड है, पुरानी मूवी है अदालत। म्यूजिक इसमें मदन मोहन जी का है, इसका दूसरा साइड हीरा गुरुदत्त और नरगिस। क्लासिक मूवी रही है अपने टाइम की। साइड बी ये देखिए पीछे का है। साइड बी का पहला गाना जो है वो है यूं हसरतों के दाग, फेमस हिट सॉन्ग, जमीन से हमें आसमान पर। तीसरा गाना है दुपट्टा मेरा मलमल का। लास्ट सॉन्ग है जाना था हमसे दूर। फिर साइड टू का पहला गाना है, मैं इसमें सिंगर्स के नाम बताना भूल गया, माफ़ी चाहता हूँ, दोबारा से बताता हूँ। यूं हसरतों के दाग साइड वन का पहला गाना लता मंगेशकर जी द्वारा गाया हुआ है। दूसरा गाना जो है वो ज़मीन से हमें आसमान पर आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी के साथ में गाया गया है, साथ में कोरस भी है। तीसरा गाना है दुपट्टा मेरा मलमल का, आशा भोसले जी और गीता दत्त जी ने मिलकर गाया गाना। ये आखिरी साइड वन का चौथा आखिरी और चौथा गाना है जाना था हमसे दूर, ये लता मंगेशकर जी ने गाना गाया था। साइड टू का पहला गाना है उनको ये शिकायत है, लता मंगेशकर जी ने गाया है गाना। फिर जाजा रे सजना सेट वर्जन है, ये भी लता मंगेशकर जी ने गाया है। फिर तीसरा गाना है साइड टू का जाजा रे सजना हैप्पी वर्जन है, ये आशा भोसले जी ने गाया है। फिर तीसरा गाना है जाजा रे सजना, ये भी सैड वर्जन है, ये लता मंगेशकर जी ने गाया है। फिर जाजा रे सजना हैप्पी वर्जन आशा भोसले जी ने गाया है। और आखिरी सॉन्ग है साइड टू का जब दिन हसीन दिल हो जवान, आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया है साथ में कोरस। लिरिक्स इसमें राजेंद्र किशन जी के हैं। आइए इस रिकॉर्ड की कंडीशन चेक करते हैं। आज ही लौट आया तो मैंने खोला नहीं है, आपके सामने ही मैं खोल रहा हूँ। कंडीशन बढ़िया है, डस्ट है, डस्ट में साफ़ कर दूंगा, पूरा नीट एंड क्लीन कर दूंगा। एक माइनर स्क्रैच है इस रिकॉर्ड पर, उसके अलावा ऐसा कोई स्क्रैच नहीं है कि आपको सुनने में कुछ मतलब अटपटा लगे या ज़्यादा खड़खड़ की कटाकटर की आवाज़ आए। एक स्क्रैच इसमें है, वो भी साइड टू के साइड वन के दूसरे नंबर के ट्रैक पर है, हल्का सा माइनर स्क्रैच है। अगर आप अपने टर्न टेबल के स्टाइलस का थोड़ा सा वेट बढ़ा देंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा, एक बार के प्ले के बाद वो ठीक हो जाएगा। इसको मैं यहीं रखता हूँ। अब देखते हैं दूसरी मूवी। दूसरी मूवी है जुगनू। म्यूज़िक इसमें फिरोज निजामी का है, शौकत आर्ट प्रोडक्शन की ये मूवी है। अब ये किस सन की मूवी है ये तो मुझे नहीं पता। ये इसका बैक साइड है, साइड उनका पहला गाना है यहाँ बदला वफा का, मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया था और नूरजहाँ जी ने। दूसरा गाना है लूट जवानी फिर, ये गाना शमशाद बेगम जी ने गाया है। साइड वन का तीसरा गाना है उमंगे दिल की मछली, साइड वन का तीसरा गाना ये नूरजहाँ ने गाया है, नूरजहाँ जी ने गाया है। साइड वन का फिर चौथा और आखिरी गाना है आज की रात, ये भी नूरजहाँ जी ने गाया है। साइड टू का पहला गाना है हमें तो शाम गम में, ये भी नूरजहाँ जी के द्वारा गाया हुआ गाना है। साइड टू का दूसरा गाना है वो अपनी याद दिलाने को, ये मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया था साथ में कोरस। साइड टू का तीसरा गाना है देश की पुर कैफ, मैं नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ ढंग से, देश की पुर कैफ, पुर कैफ जो कि मतलब हो इसका, ये रोशन आरा बेगम जी ने गाना गाया है। साइड टू का आखिरी गाना है तुम भी भुला दो, ये भी नूरजहाँ जी के द्वारा गाना गाया हुआ है। अब इसके रिकॉर्ड की भी क्वालिटी चेक कर लेते हैं। ये भी मुझे क्वालिटी अच्छी लग रही है, इसका तो ऑयल भी बढ़िया है, बॉस बढ़िया क्वालिटी। डस्ट है, डस्ट साफ हो जाएगी, लेकिन कोई स्क्रैच नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है।
अच्छा एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा था, कई यूज़र्स ने कमेंट करा है कि सर आपके लिए आपको प्राइस के लिए फ़ोन करना पड़ता है, प्राइस जो है आप साथ नहीं बता दिया करिए। तो ठीक है, आपकी बात मान ली, वीडियो के एंड में मैं प्राइस बता दिया करूँगा। हालांकि मेरा प्राइस बिल्कुल फ्लैट है, वेरी नहीं करते हैं प्राइस, कस्टमर टू कस्टमर फिक्स प्राइस है सबके लिए। जो नॉर्मल नंबर्स हैं, जो रेगुलर बिकते हैं, उनका फिक्स प्राइस है। जो ऐसे रेयर नंबर होते हैं जो मेरे पास खुद महंगे आते हैं तो उनका प्राइस महंगा होता है, लेकिन ऐसे नंबर फिलहाल अभी मेरे पास नहीं है जो कि बहुत महंगे हो। सबके एक फ्लैट रेट है, वो रेट मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। ये है लता मंगेशकर जी ने गाने गाए हैं गालिब के, ये बैक साइड है। अब इसमें गाने काफ़ी सारे हैं, देखिए गालिब जी का मैं बारे में ज़्यादा जानता तो नहीं हूँ क्योंकि मेरे टेस्ट के नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये साइड वन में पहला गाना है नक्श फरियादी है किसी की शौकनी, ये तहरीर का। फिर दूसरा है दर्द मिन्नत काश दवा ना हुआ। फिर तीसरा गाना है साइड वन का रोने से और इश्क में बेबाक होंगे। और साइड वन का चौथा गाना है ये हम जो हिजर में दीवारों दर को देखते हैं। और साइड वन का आखिरी गाना है फिर मुझे दीदे तार याद आया, दीदा ए तार याद आया। और साइड टू का पहला गाना है कोई उम्मीद बार नहीं आती। साइड टू का फिर दूसरा गाना है हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। साइड टू का तीसरा गाना है कभी नेकी भी उसकी उसके जी में घर आ जाए है मुझसे, कभी नेकी भी उसके जी में कभी नेकी भी उसके जी में घर आ जाए मुझसे। और साइड टू का आखिरी गाना है आप लोग भी सोच रहे होंगे कैसे अनपढ़ हैं ये पढ़ना शुरू कर दिया, एनीवे ये है साहब बगीचा ए अतफाल, बड़ा टिपिकल वर्ड है साहब ये तो, बगीचा ए अतफाल है दुनिया मेरे आगे। इतने गाने हैं इसमें, म्यूजिक इसमें हृदयनाश मंगेशकर जी का है। क्वालिटी इसकी चेक करते हैं खोल के, क्वालिटी तो ठीक ही लग रही है इसकी, क्वालिटी सही है, बस डस्ट है, डस्ट में साफ़ कर दूंगा, लेकिन क्वालिटी बढ़िया है फर्स्ट क्लास। पर ये अच्छा है, दुआ है ऊपर वाले की, भगवान की कृपा है कि मेरे पास जो भी रिकॉर्ड आते हैं, कभी ऐसा रिकॉर्ड नहीं आया कि जिसको किसी को भी दिया हो उसने बाद में मुझे कहा हो कि भाई साहब आपने ये क्या सामान दे दिया, सुनने में मज़े नहीं आ रहे। बहुत अच्छी कंडीशन के रिकॉर्ड आते हैं। मेरा जो वेंडर है उसमें एक बात अच्छी है कि वो सामान हमेशा अच्छा देता है, महंगा जरूर देता है लेकिन अच्छा देता है। अब ये अगला है दिल लगी मूवी का, इसमें म्यूज़िक नौशाद का है, फेमस म्यूजिशियन रहे हैं अपने टाइम पे, लिरिक्स इसमें शकील बदायूं जी के हैं और ये करदार प्रोडक्शन की मूवी है। इसमें अब ये शायद सुरैया हैं मेरे ख्याल से, शायद सुरैया ही हैं, हाँ सुरैया जी हैं, ये सुरैया जी हैं कन्फर्म। अब इसका साइड वन का पहला गाना है तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी, अरे 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 तो भाई साहब फेमस गाना है, हिट सॉन्ग। फिर दूसरा गाना है तेरा ख्याल दिल से, ये सुरैया जी ने गाया है। पहला गाना जो है तू मेरा चांद सुरैया जी और श्याम जी ने मिलकर गाया है। और उसके बाद फिर तीसरा गाना आता है दुनिया क्या जाने मेरा, ये भी सुरैया जी के द्वारा गाया गाना है। फिर साइड वन का चौथा गाना है इस दुनिया में ए दिल वालो, मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया इस गाने को। और आखिरी गाना है साइड वन का चार दिन की चांदनी, ये भी सुरैया जी द्वारा गाया हुआ गाना है। साइड टू का फिर पहला गाना आया मुरली वाले मुरली बजा लेके दिल चुपके से, ये सुरैया जी के द्वारा गाना गाया है। दूसरा गाना है जालिम जमाना मुझको, ये भी सुरैया जी और श्याम जी ने मिलकर गाया है। तीसरा गाना है निराला मोहब्बत का, ये सुरैया जी के द्वारा गाना गाया है। और फिर अगला गाना है मेरी प्यारी पतंग, ये शमशाद बेगम और उमा देवी जी ने गाना गाया है कोरस के साथ। आखिरी गाना है तेरे कूचे में, ये मोहम्मद रफ़ी जी के द्वारा गाया गाना है। इसकी भी क्वालिटी चेक कर लेते हैं, क्वालिटी ठीक ही होगी, बढ़िया फर्स्ट क्लास क्वालिटी, फर्स्ट क्लास। ये डस्ट है हटा दूंगा मैं, ये हट जाएगी डस्ट ये, लेकिन फर्स्ट क्लास क्वालिटी, बहुत बढ़िया क्वालिटी, ठीक है साहब। अब अगला रिकॉर्ड देखते हैं, ये हिट मूवी साहब बीबी और गुलाम, नई वाली नहीं पुरानी वाली, साहब बीबी और गुलाम क्लासिक।
इसमें म्यूजिक वगैरह किसका है देखते हैं साहब। हाँ, हेमंत कुमार जी म्यूजिक डायरेक्टर है इसमें। गुड। लिरिक्स इसमें शकील बदायूं जी के हैं। पहला गाना है साइड वन का, जो कि टाइटल म्यूजिक है, भंवरा बड़ा नादान, और ये आशा भोसले जी के द्वारा गाना गाया है। हिट गाना है जहाँ तक मेरे को ध्यान में आ रहा है, भंवरा बड़ा नादान, हाँ हिट गाना है। दूसरा गाना है मेरी बात रही मेरे मन की, मेरी बात रही मेरे मन में, ये गाना गाया है आशा भोसले जी ने ये भी। तीसरा गाना है सखियाँ आज मुझे नींद नहीं आएगी, ये गाना भी आशा भोसले जी ने गाया है कोरस के साथ। साइड टू का पहला गाना है चलो आओ चले आओ चले आओ, ये गाना गीता दत्त जी ने गाया है। साइड टू का दूसरा गाना है मेरी जान ओ मेरी जान, ये गाना भी आशा भोसले जी के द्वारा गाया गया है। साइड टू का तीसरा गाना है पिया ऐसो जिया में, ये गाना भी गीता दत्त जी ने गाया है। और आखिरी गाना है ना जाओ सैयां छोड़ा के भैया, फेमस ऑल टाइम हिट, ये गाना भी गीता दत्त जी के द्वारा गाया हुआ है। इस रिकॉर्ड की क्वालिटी भी चेक कर लेता हूँ साहब। इस रिकॉर्ड में एक ट्रांसपोर्टेशन में स्क्रैच आया है, ये रहा, ये हट जाएगा। आपको अपने स्टाइलस का थोड़ा वेट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने लिए कभी कभी कोई पर्सनल नंबर मंगाता हूँ तो ट्रांसपोर्टेशन में स्क्रैच आ जाता है कभी कभी, तो वो अटकता है। अटकता क्या है, वो रिपीट नहीं होगा, कट कट की आवाज़ आएगी उस पर्टिकुलर जगह पे। तो उसका तरीका ये है कि स्टाइलस का वेट बढ़ा दिया जाता है। वेट बढ़ाते क्या होता है, वो जो जहाँ भी स्क्रैच आया होता है वो स्क्रैच ठीक हो जाता है, कट कट की आवाज़ आना बंद हो जाती है। दो तीन बार प्ले करने के बाद ये चीज़ हट जाती है। इसके अंदर मैंने क्लियरली बता दिया कि इसके अंदर एक ये स्क्रैच है, जो आपको एक दो तीन ट्रैक पर ये स्क्रैच आया है। एनीवे अगर आप कहेंगे तो मैं इसको ठीक करके दे दूँगा। अब आते हैं साहब एक रिकॉर्ड, ये रहा लता मंगेशकर जी, जुगनू जी, और ये अपने अदालत। इन एल की जो प्राइस है, मेरे प्राइस फिक्स रहते हैं फ्लैट रुपीज़ 750 रुपीज़ ईच, एक रिकॉर्ड का 750 रुपये प्लस ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब बहुत नॉमिनल होता है, 750 रुपये में पैकिंग भी इंक्लूसिव है, जो पैकिंग भी मैं ऐसी करके देता हूँ कि डैमेज ना हो, आपको साहब आपके पास सही सलामत पहुँच जाए। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वही आती है 100 रुपये, 125 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, इंडिया के किसी भी कोने में आवाइए 250 रुपये से ज़्यादा की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं आती है। अब जो सज्जन भी इनको लेने के इच्छुक हों, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप इन मूवीज़ का कोई सॉन्ग ऑडियो कैसेट में भी रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो वो सुविधा भी मैं दे रहा हूँ इन दिनों। मेरे पास सील्ड ब्लैंक कैसेट भी हैं और यूज्ड ब्लैंक कैसेट भी हैं, सोनी के, TDK के, सारे मतलब रेनॉन ब्रांड के। आप में से जो कोई भी इच्छुक हो, चाहे रिकॉर्ड करवाने का या इन LPs को ख़रीदने का, कृपया मुझसे संपर्क करें। वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।